हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैकिंग जॉब के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पैकिंग जॉब के बारे में। इसमें आपको क्वालिफिकेशन जो 10वीं पास, 10वीं फेल, 12वीं, 11वीं एक्सपीरियंस, फ्रेशर सबके लिए इसमें रहता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू ना के बराबर होता है, कहीं कहीं पर इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। तो पैकिंग जॉब में क्या रहता है, क्या सैलरी रहता है, क्या काम रहता है, कितने घंटे का काम रहता है, पूरा का पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा नाम है अजय यादव और आप देख रहे हो अल्फेक्ट जोन। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब कितने घंटे का रहता है। इसमें दो जॉब है, फुल टाइम है और पार्ट टाइम है। तो फुल टाइम कितने घंटे का रहता है और पार्ट टाइम कितने घंटे का रहता है, इसके बारे में पूरा आप एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फुल टाइम जो होता है इसमें आपको 10 घंटे का आपको ड्यूटी रहता है, और पार्ट टाइम जो रहता है उसमें आपको 4 घंटे का रहता है। 10 घंटे में आपको जो सैलरी रहेगी वो 12,300 रुपये आपको इन हैंड रहता है, और पार्ट टाइम में जो रहता है इसमें आपको अपने ही हाथ से स्लॉट बुक करना है और जाना है। 4 घंटे का आपका 280 रुपये मिलता है। फुल टाइम में जो है आपको सैलरी मंथली वाइज आती है, पार्ट टाइम में जो है आपको डेली बेसिस पे पैसा मिल जाता है। सपोज आपने आज काम किया, इसका पैसा आपको अगले दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बाय द वे, आपको सैटरडे संडे ये सब रहता है तो 1-2 दिन इधर उधर होता है, लेकिन आपको जितने दिन रुका रहेगा अगले दिन जब भी सैलरी आएगी तो उसका आपको जुड़ के मिल जाएगा। इनका आपको ये सेम प्रोसीजर रहता है ऐसे पार्ट टाइम में। फुल टाइम में जो बताया हूँ इसमें आपको 10 घंटे का ड्यूटी रहेगा, लेकिन 10 घंटे से अगर आप ज़्यादा करते हो तो उसमें आपको सैलरी जो रहेगा 1 घंटे का 120 रुपये के अबव आपको पर आवर्स मिलता है, जितना आप एक्स्ट्रा करते हो। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसमें काम क्या रहता है, पैकिंग में काम क्या हो सकता है। आपको खुद नॉलेज हो गया रहेगा थंबनेल देख के, या फिर आपको पता चल गया जब भी मैं बोला होगा पैकिंग जॉब। पैकिंग जॉब में क्या होता है कि समझ लो जो भी हम प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं कोई भी ई कॉमर्स साइट से, तो वही उसी का जो वेयर हाउस रहता है उसके अंदर आता है, तो उसको सॉर्टिंग करना पड़ता है एरिया वाइज। सपोर्टेड आपको जिस एरिया में आप रहते हो तो उस एरिया का सॉर्टिंग करके ही पार्सल आपके इधर पहुँचता है, तो वही आपको काम करना रहता है कि जो भी पार्सल आते हैं तो एरिया वाइज सॉर्टिंग करना रहता है, सॉर्ट करके उनका एक एक रैक रहता है वहाँ पे आपको लगाना रहता है। उसके बाद जो है आपको जो जिधर डिलीवर होने के लिए जा रहा है तो उसको निकाल के डिलीवरी बॉय को असाइन करना रहता है, ये सारा काम उसमें रहता है। वेयर हाउस के अंदर आपको एक काम करना रहेगा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें काम क्या है और कैसे क्या करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आके आप ये जॉब ले सकते हैं। अगर ये जॉब आप अगर पाना चाहते हो तो ऑफिस में आके आप पूछ सकते हो कि भाई मुझे पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ऑफिस का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे दे दूंगा। क्वेस्ट का लोगो देख कर आपको पता चल गया होगा कि क्वेस्ट कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा था। यही पे आपको आना रहेगा पैकिंग जॉब के लिए। हाँ दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन इसमें समझ लो 10वीं फेल, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, कोई भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10वीं फेल, 10वीं पास, क्योंकि उनको नॉलेज होना चाहिए कि जो पार्सल पे इंग्लिश में लिखा रहता है तो किसका नाम लिखा है, ये सारा चीज़ का नॉलेज इसको रहेगा वही हो पाएगा। अगर उसमें आपको 10वीं फेल है लेकिन उसको इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता तो फिर उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता ही नहीं चलेगा किधर सॉर्ट करना है, किधर डालना है, तो आप क्या सॉर्टिंग करोगे, स्कैनिंग करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा तो कौन रखेगा। तो दोस्तों आपको अगर समझ में आया होगा पूरा अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को तो लाइक कर ही देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।